For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. Wait. Hi everybody. Hello. Hi Garishma. I am really excited because I watched the trailer with Ekta ma'am and with Ken sir, and when I watched it I really had goosebumps, so I'm really excited to watch it. And I watched Test Case yesterday, it was amazing. But Huckse is more of my favorite, I think. So I'm gonna go and watch it. Thank you. Huckse mein aapki's character. Sorry? Why? Why? Because I worked with Ken sir and I saw the trailer. There's something about the trailer which I felt was really simple, and there's, I don't know, I just could connect to it. I felt nostalgic watching the trailer. So maybe that's why. करिश्मा आप सबको आप पार्ट थी एक बार वेब सीरीज का रागनी मस्त यस सो कैंसर में आपको लास्ट एपिसोड में सपोर्ट भी किया था डायरेक्ट भी किया यस उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ओह ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर सो वी जस्ट कुड शूट लाइक वन episode with him, but that was amazing. It was so quick. He knows his work. He's one of my favorite directors. He's one of the best directors I worked with actually. So Karishma, aap phir dikhai denge aapko? Yes, I'm doing Kapoor's again with Alt Balaji, with Kushal and Ridhima Pandit, and my film is gonna be out in April called Hotel Milan opposite Kunal Roy Kapoor. So stay tuned, guys. Isha is so the show is based in 1990s. She's a very ambitious girl. She wants to go there and get the world. And yeah, I think you should wait till the trailer or the show comes out. Yeah. Thank you so much. Thank you. I styled this myself. I think it's inspired by Kylie and Kendall Jenner. So, yeah. Thank you so much. Thank you. अरे वायर है उधर लन सर मिर्चा पे शॉट रुक ना रोल है ये मेरे को भी नहीं लगता चले अरविंद नन नन चलो बाइट करते चलो और तेजस पहले विजुअल इधर करवा दो बाद में फोटो सब साथ में एक बार विजुअल करते हैं चलो अरे रुको अरे क्या विजुअल के लिए भाई हां विजुअल ले लो बाद में वापस आओ हां मैं बिना उस बात बाद में बहुत बहुत एंटर ऑल ऑफ विनय विनय चेन चेन अंदर 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 बैग लेके आ जाओ जल्दी जल्दी बढ़िया ओके ओके हो गया थैंक यू बहुत एक्साइटेड हूँ इनफैक्ट अभी मीडिया स्क्रीनिंग होके हटी है एंड अ लॉट ऑफ माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैव कॉल्ड मी और उनको बहुत बहुत पसंद आया दे स्पेशली मैसेज्ड मी एंड कॉल्ड मी एंड सेड दैट उनको कुछ अलग देखने को मिला और
परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी लगी जिसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई होप व्हेन द शो इज़ लॉन्च्ड ऑन द सेकेंड आई बिलीव लोगों को भी बहुत बहुत पसंद आएगा एंड दे विल वेट दे विल रियली रियली ईगली वेट फॉर द नेक्स्ट लॉट टू बी लॉन्च. किस तरह का प्रेशर था आप बड़ी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही है और साथ में आपकी तीन छोटी बहनें भी? प्रेशर तो कोई भी कैरेक्टर प्ले करने में, तो छोटी बहन होती तो भी प्ले कैरेक्टर प्ले करने पर प्रेशर होता, लेकिन ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था. ऑफकोर्स द कैरेक्टर इज़ वेरी काफ़ी ठहराव है कैरेक्टर में, रिस्पॉन्सिबल महसूस करती है वो अपनी छोटी बहनों की ओर, और घर में एक शांत प्रिय और एक जैसे कैसे कहते हैं बड़ा योर एल्डर सिबलिंग होता है तो उसको हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है. अगर कुछ नोकझोंक हो जाती है तो उसमें अपना बड़ापन दिखाना पड़ता है, तो उस सेंस में हाँ. एंड ऑल माई थ्री सिस्टर्स जो हैं, विच इज़ पारुल, आंचल एंड निकिशा, हम तीनों ने सेट पे बहुत बॉन्ड भी किया, तो वो एक ऑर्गेनिकली वो एक फीलिंग आ गई, यू नो, कि मैं आई एम द एल्डर सिस्टर. हाउ मच फन इट वाज शूटिंग इन मनाली? ओ, इट वाज सो मच फन, इट वाज अ लॉट ऑफ फन. हमने मतलब मस्ती मजाक के बीच में फ्री टाइम में शूटिंग करी है. नॉट सो मच, आई गॉट वन डे, तो मैंने मनाली से खूब सारी शॉल्स खरीदी बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल देयर. जिनके पास फ्री टाइम था वो भी जाते थे मॉल रोड, लेकिन हम लोग डेफिनेटली कोशिश करते थे कि हम लोग एज अ टीम रात का जो डिनर है शूट के बाद, वॉट एवर टाइम इट इज़, हम लोग साथ में करें. तो आई थिंक वो मोमेंट्स जो हैं वो बहुत करीब हैं हम सभी के, द टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर. एंड हम लोग बिल्कुल एक मतलब ऐसा सर्कल बन गया कि एक दूसरे से अगर ज़्यादा टाइम बात नहीं करते, कुछ दिन बात नहीं करते, तो खुद थोड़ा अजीब लगता है. मैं वही आज रुखसार को भी कह रही थी, अरे कितने दिन हो गए बात नहीं हुई, सो इट जस्ट फील्स वियर्ड. वेब सीरीज़ का क्रेज़ काफ़ी बड़ा है देखा जाता आए दिनों में, उसका क्या कहना है? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिल्मों का क्रेज़ कम हुआ है इसके वेब सीरीज़ की वजह से, ऑडियंस सब कंटेंट देखना पसंद कर रही है. नहीं, आई डोंट थिंक इसमें फिल्मों और डिजिटल कॉन्टेंट का फ़र्क है, इसमें कॉन्टेंट का फ़र्क है. आजकल ऑडियंसेस बहुत रियल हो गई हैं, उनको इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट चाहिए है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब से बाकी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स बाहर से यहाँ आए हैं, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन का जो मेट्रो सिटीज़ और ए टियर सिटीज़ हैं, उनका जो एक व्यूअरशिप है वो काफ़ी वहाँ उस ओर चली गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सेट टॉप बॉक्स मैंने रिचार्ज ही नहीं करवाया है, आई थिंक डिसकनेक्ट हो गया है. सो इट्स जस्ट दैट यू नो ऑडियंसेस आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे वांट टू सी बेटर कंटेंट, दे वांट टू सी गुड कंटेंट. लेकिन ये बात जो है वो खाली फ़िलहाल के लिए खाली अर्बन पॉपुलेशन तक सीमित है. मासेस को अभी भी कॉन्टेंट मासी देखना है, कमर्शल देखना है. इस वजह से आई फील फ़र्क फिल्म और डिजिटल में नहीं है. फ़र्क ये है कि डिजिटल में आपके पास लिबर्टी है कंटेंट की. अभी हम रिसेंटली इतनी बड़ी फिल्म के बारे में सुन चुके हैं, देख चुके हैं, एक लिबर्टी, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो व्हाट ऑल डू यू हैव टू गो थ्रू, यू नो. एंड इट्स अनफेयर आई थिंक, एज अ मेकर, एज अ विजनरी, एज समबडी हू हैज़ अ विजन, आपको वो लिबर्टी होनी चाहिए. और पहली बात, दूसरी बात ये कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स, हमारी क्या हो जाता है, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो से हमारा जो सोशल सिनेरियो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड रहता है. उसकी वजह से पुरानी चीज़ें आज हम एज एन ऑडियंस या एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, रीति रिवाज हो, ट्रेडिशन हो, रिलीजन हो, हर चीज़ को इतना करप्ट और एडल्ट्रेट कर देते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन से, अपनी मिस इंटरप्रिटेशन से. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ फेयर. सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग बून डिजिटल पे, जहाँ पे आपको वो एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिलता है. तो विच इज़ वाई एवरीबडी इज़ यू नो गेटिंग डाइवर्टेड एंड वॉन्ट टू मेक स्टफ ऑन वेब, क्योंकि सेंसरशिप नहीं है, कोई उठ के बोल नहीं सकता आपने ये क्यों बनाया, आपने ये क्यों बोला, उसमें तो ये दिखाया है, उसमें तो वो दिखाया है. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग बून एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न. प्लस आज टेक्नोलॉजी यहाँ चली गई है कि आप चलते फिरते आपके हाथ में आप सब कुछ देख सकते हैं, आप जब चाहें इंटरवल कर सकते हैं. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट पॉजिटिव्स एंड आई थिंक इसी चीज़ से हम लोगों को
काफ़ी कुछ लेना चाहिए और फिल्म के कंटेंट के बारे में 10 बार सोचना चाहिए व्हाट वी ट्राइंग टू ट्रांसलेट और ट्रांसपायर ऑन द बिग स्क्रीन आल्सो। सौरभ भास्कर की सहमत ओपन लेटर से आप सहमत दिख रही है, देखा जाए तो मैंने फिल्म देखी नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। आई एम श्योर उनका एक पर्सपेक्टिव होगा जिसकी वजह से उन्होंने, मैंने पूरी लेटर पढ़ी एक्चुअली, पर आई एम नॉट द राइट पर्सन एंड आई एम नॉट इन द राइट पोजिशन टू कॉमेंट ऑन इट बिकॉज आई हैवंट सीन द फिल्म। मैं देखना चाहूँगी फिल्म, but I respect everybody's views. If that's how she felt, she must have, she's a very intelligent girl and I know her personally. So if अगर उन्होंने अपनी open letter में बहुत politely कुछ कुछ चीज़ें जाहिर की हैं जो उन्होंने महसूस किए हैं, आई एम श्योर उन्होंने किसी लेवल पर कुछ फील किया होगा। सो लेट्स रिस्पेक्ट हर एंड लेट्स रिस्पेक्ट मिस्टर संजय लीला बंसाली एज अ मेकर एंड आई एम नोबडी टू say anything because I haven't seen the film. अच्छा, movie देखने के बाद आप कुछ comment करना चाहेंगे? आप मिलेंगे तो देखूंगी, comment कर दूंगी शायद। सीरीज में देखा जाए तो एक सीक्रेट सुपरस्टार में एक क्लिप दिखाया था जिसमें फतवा जारी हो रहे हैं कोई लड़की सिंगिंग कर रही है फ्रीडम के ऊपर, उसको आप किस तरह देखते हैं? See, I don't want to get involved into the politics of it. मैं एक दूसरे लेवल पे बात करूँगी। जैसे हमारा शो जो है हक से, वो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है उसका, लेकिन वो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, वो एक इमोशनल ड्रामा है। एक कहानी है चार बहनों की, उनकी माँ की, उनकी खाला की जो उनकी मासी हैं, और कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल हालात की वजह से वहाँ के रहने वाले जो वासी हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस पे उस चीज़ का, उस कश्मीर के हालातों का क्या असर होता है इन डे टू डे लाइफ। जो हम रोज़ घर से, अपने ही घर से निकलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़े हम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ देती है, लेकिन कश्मीरी पीपल आर डिराइव्ड ऑफ दैट, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट, सॉरी। और ये जो स्पेशली लड़कियां, क्योंकि सोसाइटी अभी भी मिसोजिनिस्टिक है, पेट्रियाकल है, पुरुषों की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो औरतें दबी हुई हैं, उनके लिए ड्रीम करना या सपने देखना या ख्वाब देखना बहुत दूर की खुद में ही एक बहुत दूर का ख्वाब है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए उन्हें डे टू डे लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आसपास के लोगों के साथ, और ये कंडीशनिंग की बात है। तो आई थिंक वो जो ओप्रेस्ड हमारे डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस होते हैं, बिकॉज हम चारों बहनें शो में जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तो हमें हमारे माँ बाप लकीली कश्मीर के हालातों के बीच में भी बहुत काफ़ी लिबरल मिले हैं, एंड दिस इज़ अ आई थिंक दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि लोगों को कैसा होना चाहिए। यू नो, सेक्सिज्म नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि वहाँ का मेल या फीमेल पॉपुलेशन रोज़ किसी चीज़ के साथ जूझता है एवरी डे, तो वो कंडीशनिंग ही ख़राब है क्योंकि हालात ख़राब हैं। तो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है इसलिए मैं पॉलिटिकली कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ओके, 20 एपिसोड्स के बाद में क्या थिंक ऑफ यू चेंज हो गया? दैट इज एकताज कॉल, आई होप शी डज अ सीजन 2। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद पद्मावत, सो एज एन एक्टर डज इट क्रिएट अ फियर इन योर माइंड दैट वन रॉन्ग डायलॉग एंड पीपल कैन रियली जज यू ऑन दैट? दे आर मोस्ट वेलकम टू जज मी इफ आई थिंक इट्स रेलेवेंट फॉर द स्क्रिप्ट, आई विल से इट। इफ आई थिंक इट्स यू नो माय मेकर और माय डायरेक्टर हैज विद अ लॉट ऑफ थॉट you know, made that a part of dialogue or maybe some sort of behavior a part of it, I'm going to follow my script at the end of the day because that's my job. If I'm saying yes to a script, matlab I'm saying yes to everything in the script and I'm saying yes to doing everything and saying everything in the script. So I don't think that is my call and I don't really care log kya sochte hain. My basic objective is to be true to any script or any piece of work that I'm doing and I will always do it. Thank you so much.
जी आगे करो 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 हाँ आज हक से की बारी है। क्या कहना चाहेंगे आज हक से के बारे में? आपने कभी HBO की सीरीज देखी है तो आप देखोगे कितनी हाय हाउ आर यू। आप जब कभी हक से की से हक से बोल रहा हूँ जहाँ कभी भी अगर आपने HBO की सीरीज देखी होंगी एक स्टोरी टेलिंग होती है। आप एक बुक को पढ़ते हैं वो जो फील आता है ना आपको वो आपको आता है जब हक से का ट्रेलर देखते हो। वो एक्चुअली वो बेस्ड भी लिटिल वुमेन एक बुक के ऊपर है पूरी की पूरी कहानियाँ। तो इतनी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ जो देखने में तो इसलिए सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो शो देखने में। कल हम लोगों ने टेस्ट केस देखा था और आज हक से की बारी है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू सी कश्मीर की चार लड़कियों की कहानी। आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस। आई थिंक सब ने पढ़ी है लिटिल वुमेन। वो एक इंग्लिश क्लासिक है जो हर किसी ने पढ़ी हुई होती है। आई थिंक बहुत ही ब्यूटिफुली ऑल्ट ने उसे इंटरप्रेट किया है आज के टाइम में और जो प्रॉब्लम्स पहले थी और जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उसको उसको कितनी ब्यूटिफुली कश्मीर में जिन्होंने पूरी स्टोरी सेट करी है जो इश्यूज़ वहाँ पर वुमेन आर फेसिंग एंड हाउ दे कम अप एंड ऑल द फोर सिस्टर्स इन देयर लाइफ। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत ही सैड एंडिंग भी है उसमें बीच में ऐसे कैरेक्टर्स की चीज़ें भी हैं तो बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एनीवन एंड एवरीवन टू वॉच इट्स। बहुत ही फैमिली शो है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई वेब सीरीज करने का मौका मिले तो किस तरह की वेब सीरीज करना चाहेंगे? मैं बना रहा हूँ वेब सीरीज आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही एक्साइटिंग वाली बना रहा हूँ तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस। मैं ड्रामा होता है या कॉमेडी होता है। इससे पहले मेरे दो वेब सीरीज क्लास ऑफ 2017 और रागिनी MMS जिस पर मैंने लास्ट काम किया था वो आई हैं। आई थिंक रागिनी और ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी लाए हैं। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट वर्क इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड। हर समय अलग अलग जॉनर के अलग अलग शोज़ बन रहे हैं। एक तरफ हक से होता है, एक तरफ यू हैव क्लास ऑफ 2017, एक तरफ आपका टेस्ट केस होता है। सो वॉट इज़ ब्यूटिफुल अबाउट ऑल्ट इज़ दैट दे आर गेटिंग वेराइटी। तो आपकी मॉम भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो, हर तरह के शोज बनाए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग यार। हर किसी को मौका मिलता है। किसके साथ दिखाई देंगे इन वेब सीरीज? किसके साथ दिखाई देंगे? अभी बन जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। अभी बनने दो, पहले लिख रहे हैं हम लोग, इस वक्त लिख लेंगे फिर हम सुनाएंगे उस इंसान को और बाकी लोगों को, फिर जब वो साइन हो जाएगा फिर हम अनाउंस करेंगे कि यस दिस इज द शो वी आर मेकिंग। See the budget that is coming out, last year budget was very good, but what's going to be very interesting is that I hope that the tax level for every one of us thode lower ho to zyada paise bachenge, zyada hum kharch karenge, economy better hogi, wo I think overall hona chahiye. And I just feel that entertainment industry na bahut hi aisi industry hai jahan par it's so difficult because yahan par श्योर श्योर गारंटी नहीं होती। एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन पैशन, कुछ चलता है कुछ नहीं चलता है। सो आई होप दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस द इंडस्ट्री गिव्स सो मच टू द कंट्री, वो भी गवर्नमेंट अपने ध्यान में रखे और उनको इस तरह की रिबेट्स और इस तरह की सहूलियत दें कि वो बेटर कर पाएँ और ज़्यादा रिस्क ले पाएँ। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द यूनियन बजट एटलीस्ट। डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ एक्टिंग इन एनी वेब सीरीज? See, when it comes to facing the camera, yes, I do have plans of facing the camera because जो मैंने किया वो मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। लेकिन बिकॉज मेरी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है कि मुझे डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग और राइटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो मैं करता आ रहा हूँ और एक्चुअली मुझे बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ से, तो आई एम सॉरी एक्टिंग मुझे इतना ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं देता जितना कि मेरी बाकी थॉट प्रोसेस मुझे देती हैं। तो बट आई एंजॉयड माई स्टिंट एट बिग बॉस, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल समहाउ ऑल्सो डू सम बिट ऑफ थिंग्स ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ओके,
थैंक यू सो मच. थैंक यू सादा पे करके आज तक भी नहीं देखा. सादाब नहीं, शाह नहीं, वो अलग वाला. मैम बहुत अच्छा था आपने जो अब जो लहजा आपका था ना फिल्म में, बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. चलो भाई अच्छा. थैंक यू गाइस. फाइव सिस्टर रेडी. अरविंद प्लीज. ठीक है मैम, क्या कहना चाहेंगे नक्शे के बारे में? सबसे पहले तो यार यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब देखिएगा और बहुत प्यार से बनाया गया है और बहुत खूबसूरत बना है. बहुत इमोशनल है, बहुत विजुअली बहुत खूबसूरत है. एंड आप एक एपिसोड देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसके बाद का एपिसोड भी देखना चाहिए. कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी आपके, अब चार चार बेटियों का, माँ का कैरेक्टर मेरे ऊपर, चार चार बेटियों की और इस देश की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. ये क्या बात हुई? अच्छा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मुझे कन्विंसिंगली चार बेटियों की माँ का रोल प्ले करना है और एक बैलेंस रखना है. एक ऐसी माँ का किरदार है वो, जो कि स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन वो अपनी बच्चियों को बहुत मोहब्बत भी करती है और उनके ख्वाबों को पूरा भी करना चाहती है. बट उन अपनी बच्चियों को वो उन सब चीज़ों से भी बचाना चाहती है जो कि उस स्टेट में उनके लिए सेफ नहीं है. हम पाँच एपिसोड देखे हैं मैम, पाँचों में बांधे रखा देखा जाए तो फिर हमें हिलने का भी चांस नहीं दिया गया. और कितने एपिसोड्स है इसमें टोटल, इसके बारे में बताएंगे? 20 एपिसोड्स हैं इसमें और आई थिंक वो लोग किस तरह रिलीज़ कर रहे हैं ये आपको ऑल बालाजी वाले बता पाएंगे. शायद 12 कर रहे हैं, उसके बाद बाकी कर रहे हैं. तो आई थिंक या तो क्या शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है 20 पूरी की है? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा मनाली में शूटिंग करके और कश्मीर की वादियों को दिखाने का? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत. हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, हम सब लोग कहते हैं कि अरे भाई यूरोप जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए. बट बहुत सालों बाद मनाली जाके मुझे ये लगा कि वाकई हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है. और अगर आप मनाली में और थोड़ा ऊपर जाते हैं मक्लाउडगंज और उस साइड में तो यू विल फील के मतलब मैन मेड कुछ नहीं है, सब नेचुरल है हमारे यहाँ और बहुत ही हसीन है. सो इट वाज एन अमेजिंग, इट वाज लाइक रीडिस्कवरिंग हिमालयस. डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहूँगा मैं. कितना अच्छा मीडियम हो गया मैसेज करने का, प्लस इसमें यह भी होता है कि ऑडियंस का रिएक्शन जो ऑन द स्पॉट मिलता है और रिएक्शन कितने इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए देखा जाए तो? यार रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है ना, क्योंकि मतलब कोई भी प्रोड्यूसर अपने घर में बैठ के देखने के लिए तो बना नहीं रहे ना. सो दे ऑल आर मेकिंग फॉर द ऑडियंस एंड इफ ऑडियंस इज गोइंग टू लव द शो एंड देयर रिएक्शंस आर गुड देन द बैटल इज वन. ये फतवा के बारे में जानना चाहूँगा मैम, जो इसमें दिखाया गया है तो फिर इसके आगे क्या हो रहा है देखा जाए एग्जैक्टली उसे के सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम की कंटिन्यू हो ही रहा है ये प्रॉब्लम करंट इशू देखा जाए तो ये अभी भी हो रहा है इन पाकिस्तान से. हाँ गर्ल्स के लिए शो के बारे में पूछ रहे हैं? शो के बारे में पूछ रहे हैं. तो शो के बारे में कैसे बता दूं मैं आगे क्या होने वाला? अच्छा, बात क्या इंटेलिजेंट बात. या वेरी नाइस. अच्छा करंट जो इशू चल रहा है मैम ये फतवा का, तो इसके लिए क्या कहना है आपका? यार आई फील टू ईच हिज ओन. मुझे तो फतवा हो या ना फतवा हो, मुझे लगता है कि इंसान को जो भी इंसान है उसका जो मन करता है उसको करते रहना चाहिए. प्लस जो आपकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनीबडी, लेकिन आपकी जो सोसाइटी ने एक नॉर्म्स बना दिए हैं, हमारा हिंदुस्तान जो है उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ सोसाइटी के एक चीज़ है कि आपको उसके दायरे में रह के काम करना चाहिए. तो अगर उसके दायरे में लोग काम कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड. तो फिर एंड आई डोंट बिलीव कि किसी को भी हक है किसी के भी लिए कि आप ये नहीं कर सकते, ये आप ये नहीं कर सकते. अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो इट्स देयर लाइफ. उनको फाइनली मैम 20 एपिसोड्स कंप्लीट होने के बाद में क्या लोगों की सोच बदलेगी इन चीज़ों के लिए देखा जाए तो फिर आपको क्या लगता है? मालूम नहीं है. सोच तो ऐसी चीज़ है कि वो तो बदलती नहीं है. हाँ ये है कि इंसान थोड़ा रुक के और फिर पीपल टेक अ मोमेंट टू फील के इज़ दिस ओके और नॉट. आई डोंट नो सोच बदलेगी या नहीं. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक
جی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بالاجی کے اور کیونکہ سسٹر کنسرن ہے آلٹ جو جتنے بھی شو آج تک بالاجی نے بنائے ہیں بہت ہی خوبصورت بنائے ہیں, کئی کئی سال چلے ہیں, اس میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ میسج ضرور ہوتا ہے اور پتہ چلا ہے کہ اس میں بھی بہت ہی خوبصورت میسج دیا ہے اور میری طرف سے بہت بہت شبھ کامنائیں ہیں اس سیریل کے لیے, بالاجی کے لیے, ہالٹ کے لیے, کہ یہ بھی جتنے پہلے شوز سکسیزفل ہوئے ہیں اس سے بھی کئی زیادہ سکسیزفل ہو اور پبلک کو یہ پسند آئے اور جو میسج اس میں دیا گیا ہے اس کے اوپر وہ عمل کریں, اس کو سمجھیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آگے صحیح رہے سب کچھ. یہاں بھائی لے رہا ہے کیمرہ ڈائریکٹ بیٹھ کے نکل ہو جائے گا. سب سے پہلے تو میں بالاجی کی پوری ٹیم کو اور شوبھا میم کو, ایکتا کو, شاداب جی کو اور جتنے بھی یہ ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں اور اس میں جو ہارڈ ورک کر رہے ہیں راکا جی وغیرہ کے, سب کو لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی اور ویلڈن کہنا چاہوں گی کہ اتنے اچھے یوزفل پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں اور میں ان کو آئی کراس مائی فنگرز کہ گڈ لک دینا چاہوں گی, آل دا بیسٹ. دیکھا جائے تو پھر ایکتا میم کی جو سیریلس ہوگی ٹاپ پہ رہتے ہیں اور ویب سیریز بھی آج کل ٹاپ پہ ہی چل رہی ہے, تو کیا کہنا ہے اس کے بارے میں ایکتا میم کے بارے میں؟ دیکھیے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ویب سیریز وغیرہ بہت کامیاب ہو رہی ہیں اور بہت ہی ایک اچھا ذریعہ ابلاغ ہے, ایک بہت اچھا میڈیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات جو ہے عام جنتا تک پہنچا سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پکچر ہاؤس میں جائیں, فلم دیکھیں اور ظاہر ہے کہ ہر فیملی کے لیے اور ہر انسان کے لیے, جو لوگ بزی ہوتے تھے ان لوگوں کے لیے بھی, ڈفرینٹ لائف سٹائل والوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا تھا. پھر ٹی وی گھر گھر آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی اسٹیج تھیٹر وغیرہ ایسا ہوتا تھا کہ میڈیا کے جس پر جا کر لوگ انجوائے کرتے تھے. لیکن اب یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے یہ بیسٹ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے کہیں بھی ٹریول کر رہے ہیں, آپ اپنے گرین روم میں بیٹھے ہیں, آفس میں بیٹھے ہیں, لنچ بریک ہے, کچھ ہے, چلتے پھرتے آپ موبائل پر دیکھ لیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی فعال کردار ادا کر رہا ہے یہ میڈیا اور اس کے ذریعے اپنی بات پہنچانا آسان بھی ہے اور لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے. تو اٹس ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. ایکچولی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, حق سے ہمیں یہاں انویٹیشن ملا ہے اور حق سے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ آلٹ بالاجی بالاجی کا ہی ایک فیملی ممبر ہے اور ہم بھی بالاجی کے فیملی ممبر ہیں, تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم حق سے دیکھنے آئیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آلٹ بالاجی یو نو اٹس اے پارٹ آف دا فیملی آف بالاجی, سو ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب بہت نیو ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں ٹاپکس کو لے کے. اٹس اے ویری نائس تھنگ کہ ڈیلی سوپ کے یو نو کانٹینٹ سے ہٹ کے کچھ بہت ہی الگ بنایا جا رہا ہے
इवन बोस जो ऑल्ट बालाजी की और एक डिजिटल फिल्म है, बहुत सुपर प्राउड फील होता है कि ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है फ्रॉम आर होम. हाँ, मतलब जिस फैमिली के हम मेंबर हैं. या या एग्जैक्टली. पर्सनली कितना वेब सीरीज देखना कितना पसंद आप दोनों को? आजकल ज़माना ही डिजिट, आपको पता है कि डिजिटल ज़माना है और आगे आने वाले समय में तो ये चीज़ें और ज़्यादा मार्केट में आएंगी. तो मुझे लगता है कि बालाजी एक हमेशा से ऐसा प्रोडक्शन हाउस रहा है जिसने हमेशा समय से पहले चीज़ें सोची है और इस बार भी उनकी वो सोच बरकरार रही है. तो जब ऑल्ट बालाजी लॉन्च हुआ था तब भी मैंने यही बात कही थी कि हमारा काम है समय से पहले चलना, और एकता मैम वही कर रही हैं. एग्जैक्टली. इट फील्स वेरी नाइस क्योंकि डिजिटल स्पेस इतना अभी सबके पास इंटरनेट है और सब लोग अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें देखना चाहते हैं, और डेफिनेटली जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं दे वांट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देयर टेस्ट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए. और उससे आने वाले समय में तो इतना वक्त भी लोगों के पास में नहीं होगा कि वो घर में बैठकर चीज़ें देख सकें. हाँ एग्जैक्टली. घर में कितने लोग रहते हैं टेलीविजन देखने के लिए. जिस वक्त जो वक्त मिला है उस वक्त में उनके पास में क्या अवेलेबिलिटी है, आई थिंक पब्लिक उसी पे जाएगी और ये उसकी शुरुआत है. थैंक यू. कैमरा लुक प्लीज. अरे अरे इसको या तो रिचुअल दो. ये यार भाई मेरा तो आगे जा रहा है. ये मैं देख क्या हो रहा है. बोलिए. मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ. मैंने इनफैक्ट कल टेस्ट केस भी देखा और कंटेंट वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत मज़ा आया सारे एपिसोड्स में. तो आज भी मैं ऐसी होप से आई हूँ कि हक से इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अनदर कंटेंट ड्रिवन शो विच इज़ लुकिंग लाइक इट हैज सम रियली प्रिटी फेसेस. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जैसे कि इन्होंने कहा मैंने टेस्ट केस नहीं देखा, मिस कर गई, शूट कर रही थी. बट आज हमें खास यहाँ पे बुलाया गया है एंड लुकिंग फॉरवर्ड. राजीव इज हैज़ ऑलवेज बिन अ फैबुलस एक्टर. आई गो बैक अ वेरी लॉन्ग वे विद हिम एंड सो अलॉन्ग विद देम सुरवीन के साथ साथ भी. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग बोथ ऑफ देम परफॉर्म. किसकी परफॉर्मेंस के लिए? इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं. पारुल गुलाटी है, आंचल है, और राजीव खांडेलवाल पे मेरा एक टाइम पे क्रश था. तो सब परफॉर्मेंस देखने के लिए. सुरवीन इज़ अ वेरी गुड एक्टर. सो आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू वॉच ऑल देयर परफॉर्मेंसेस. आई थिंक वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस. हक से इट्स अ ग्रोइंग मीडियम एंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग. जिस तरह टीवी आज एक इतना बड़ा मीडियम बन चुका है, आई थिंक डिजिटल इज गोइंग इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स वी आर गोइंग टू सी डिजिटल एट अ वेरी बिग स्केल. सो यस, गुड लक टू ऑल्ट. इन फ्यूचर हम देख सकते हैं आपको वेब सीरीज में? अगर चाहे तो, मतलब अगर कोई पूछेगा मांगेगा तो यस ऑफ कोर्स. थैंक यू. कितना एक्साइटमेंट है? वेल, हक से को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं सेंटर लुक दूँ सबके लिए? ठीक है, बेटर है ना. सी, सो मैं बहुत एक्चुअली एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये जो वेब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स शॉर्ट एंड स्वीट एंड एक्सट्रीमली क्रिएटिव. और डायरेक्टर मेरे फ्रेंड है कैन, और मैं यहाँ पर एकता के लिए आई हूँ. और जैसे मैंने ट्रेलर देखा, आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे जिंदगी चैनल के बारे में यू नो याद दिलाया इस ट्रेलर ने. सो इट वाज वेरी रियल एंड वेरी नाइस. दैट्स इट. ओके.
She's anyway next to me. अरे क्या बात है? चलो चलो बैठ एक्शन क्या कहना चाहेंगे मैम हक से वेब सीरीज यस यस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हक से एंड ऑल द शोज ऑन बाला ऑल्ट मीडिया एंड आई थिंक वो लोग बहुत अच्छे अच्छे शोज बना रहे हैं और स्पेशली मुझे हक्से से थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन है क्योंकि उसमें मिर्ज़ा सिस्टर्स की स्टोरी है एंड वी हैव वन शरीन मिर्ज़ा हियर आई थिंक वो बहुत अच्छी होने वाली है एंड आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक इट्स गोना बी द बेस्ट स्टोरीज ऑन द ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ऑल ऑफ देम मेरी फ्रेंड है हक्से में पारुल गुलाटी सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू you know see her work and all and the good thing about All Balaji is ki alag alag concepts ke upar web series aa rahi hai this is about four sisters about their bonding about each one of their journey so I think maza aayega dekh ke I think inhone sab kuch bol hi diya hai aur main sach mein bahut zyada excited hu and All Balaji bahut achhi achhi series leke aa rahe hain so I'm really excited for them yeah thank you And I loved the promo and I think it's very very unique and of course if Ekta ma'am is bringing something and I'm sure 100% she'll bring something interesting on screen and of course I'm looking forward to see Rajiv sir I'm looking forward to see all the other actors and you guys beautiful main basically I'm a Kashmiri pandit so if this is something on Kashmir so I have not seen many good work on Kashmir तो ये जब प्रोमो देखा तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई और जब मुझे इनवाइट किया तो दैट वाज द बिगेस्ट किक फॉर मी टू सी समथिंग ऑन कश्मीर एंड कश्मीरी विमेन तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जितना मैंने प्रोमो में देखा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो लेट्स सी हाउ द इवनिंग इज गोइंग टू बी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड वन क्या कहना चाहेंगे आई एम गोना मैं तो सीटी मारने वाली हूँ राजीव खंडेलवाल और सुरवीन चावला के लिए एंड द प्रोमो लुक्स रियली अमेजिंग एंड आई रियली विश कि ये सीरीज हिट जाए थैंक यू सो मच इस वेब सीरीज में गर्ल्स अभी इंडिपेंडेंट नहीं है ये दिखा रहा है कश्मीर के बारे में अभी इंडिपेंडेंट नहीं है हाँ उनको छुआ नहीं मिली जो नहीं ऐसा है कि वहाँ की स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं क्योंकि चाहे वो हमारे देश का पार्ट है और कुछ टेररिज्म वहाँ काफ़ी सालों से रहा है तो शायद कहीं वो पीछे रह गए लेकिन मेरे हिसाब से जितना प्रोमो से पता चलता है कि वो फाइट आउट करती हैं और आगे आती हैं तो वो तो देश में सभी जगह हैं हम कितने भी मतलब जहाँ टेररिज्म नहीं भी है वहाँ पे भी लड़कियाँ फाइट आउट करके ही आगे आती हैं इनफैक्ट हम जो शोज़ भी करते हैं उसमें भी हम लोग रिग्रेसिव नहीं ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं कि औरतें जो हैं वो बराबर हैं और हक से अपना हक मांगेगी तो मुझे लगता है कि वो एक पोर्शन हम दिखा रहे हैं और स्टोरी टेलिंग वो उसको कर रही है अदरवाइज़ हक से तो सभी सबका हक बनता है मतलब 50-50% है कोई ना पीछे ना कोई आगे तो आई गेस इसीलिए वो एक रीजन है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है लेकिन मतलब कोई भी सप्रेसिव नहीं रहेगा ऑल्सो आई थिंक इन एडिशन टू दिस इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस हाउ यू फाइट एंड हाउ यू कम अप वेदर यू एक्सेप्ट इट और यू नॉट आई मीन आई हैव एक्चुअली कम अक्रॉस फ्यू यू नो रियल एग्जांपल इन माय लाइफ इन माय ड्यू इन माय फ्रेंड सर्कल दे हैव एक्चुअली फोट एंड दे हैव कम आउट ऑफ इट एंड दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इट्स लाइक अ पर्सनल चॉइस यू नो हाउ यू टेक अप थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड हाउ यू फाइट अगेंस्ट इट सो Yes. So, अभी इसके बारे में बात करते हैं कश्मीर के मुद्दे बात में टाइम सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू द वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड ऑल द ग्रेट एक्टर्स आई मीन इट्स अ ट्रीट टू वॉच राजीव सर ऑन स्क्रीन सो आई थिंक आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हम लोग सच का सामना से लेके एंड व्हाट वाज हिज फर्स्ट शो आमिर आई लव्ड इट आई थिंक आई कहीं तो मिले समथिंग आमना एंड गाइस आई थिंक ही सुजल आई यूज्ड टू आई एम वैसे मैं टीवी में काम करता हूँ मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नहीं टीवी का बट उनके शो में देखता था मुझे ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ये कहा तो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीवी एक्टर्स इन इंडिया आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग से मुझे तो मैं तो लुकिंग फॉरवर्ड टू थैंक यू थैंक यू Thank you.
बहुत एक्साइटमेंट है यार ऑल्ट के सभी वेब सीरीज बहुत ही अच्छी होती है. लास्ट मैंने बोस देखा था और इट वॉज अमेजिंग और आई एम श्योर ये भी बहुत ही अच्छा होगा. बहुत एक्साइटेड है एंड लेट्स सी. मैडम आप कितने बहुत एक्साइटेड है हम यहाँ आए हैं अपना लाइक काम खत्म करके दैट शोज एंड वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट. देखने के लिए सभी को या सभी को देखें सभी को डेफिनेटली एंड ऑल द बेस्ट शोज के लिए. बालाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिससे शुरुआत की वेब सीरीज के साथ एकता कपूर के बारे में. एकता कपूर तो बेसिकली शी इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड आई रियली लाइक हर एंड बालाजी ने हरदम जो भी नई शुरुआत की है टेलीविज़न हो या मूवी हो वो बालाजी से ही शुरुआत हुई है. आप लोगों को पता ही होगा कि जिस तरह से मतलब जो पूरा चेंज आया है टीवी में वो सब एकता की ही वजह से आया है. सो इट हैड टू स्टार्ट फ्रॉम बालाजी ओनली. पार्डन मैं उसके बिहाफ पर मैं यू कम दिस साइड हेलो कम कम सीरियल काफी सराहा जा रहा है. क्या क्या आपका सीरियल काफी सराहा जा रहा है. हाँ तो बहुत अच्छा लगता है सराहा जाता है और अभी रिसेंटली हमने 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है और भी बहुत हज़ारों एपिसोड्स कंप्लीट करने हैं तो या बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू थैंक देखिए हक्से की स्क्रीनिंग है ऑलरेडी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं सुबह से स्क्रीनिंग चल रही है एंड मैं अभी भी हक्से की डबिंग ख़त्म करते आ रहा हूँ तो एक अच्छा कैमियो है इसके अंदर जो लोगों को आई थिंक द 9th एपिसोड में दिखेगा जब मेरी एंट्री होती है. सो क्वाइट एक्साइटेड मैं एक्चुअली अपनी टीम को सपोर्ट करने आया हूँ आज. हाँ जी हाँ जी मुझे सबसे अच्छा इस सीरीज़ के अंदर ये बात अच्छी लगी है कि सारी ऑडियंस के लिए एक फैमिली ड्रामा है ट्विस्ट एंड टर्न्स है तो यूथ के लिए जहाँ तक इसलिए मेरी एंट्री थोड़ी लेट होती है तो जो मेरी ऑडियंस है वो बाद में आएगी. राजीव की इतनी अच्छी ऑडियंस है सुरवीन की और सारे एक्टर्स की वो तो है ही और एट द सेम टाइम इट्स अ नाइस टचिंग स्टोरी तो एंड फ्रॉम अ वुमेंस पर्सपेक्टिव दीस फोर वुमेन तो काफ़ी अच्छा होने वाला है. हाँ जी हाँ जी इन रियल लाइफ सर सोशियो इकोनॉमिकल इश्यूज़ जो भी हैं आई थिंक आई फील बैड फॉर पीपल हु आर एक्चुअली देयर एंड आई एक्चुअली लुक अप टू देम एज वेल कि वो लोग वहाँ से निकल के कहीं और जाना नहीं चाहते वो अपने ही देश अपनी धरती में कुछ करना चाहते हैं. हमारे शो में भी हमने ये मुद्दा छेड़ा है जब लोग लड़की कहती है कि मैं जो भी करूँगी यहाँ रह के करूँगी अपने कश्मीर के लिए करूँगी एंड दैट्स वंडरफुल. सोल्यूशन यही है सर कि या तो आप कश्मीर को एक इंडिविजुअल एंटिटी दे दीजिए या तो फिर है ना किसी के लिए लड़िए मत सबकी जगह है यार मतलब ये सारी बाउंड्रीज हम लोगों ने ही बनाई हैं. यू नो मुंबई से अगर मैं दिल्ली चले जाता हूँ वहाँ पे मुझे तो कोई लक्ष्मण रेखा दिखती नहीं है तो ऐसे कहीं होना नहीं चाहिए. यू नो इट्स आई मीन पहले हिंदुस्तानी बन जाओ एक इंसान बन जाओ फिर बाकी की बात कर है ना सर. थैंक यू सो मच. केन सर केन अंकल ने मेरी चांस पे डांस में मुझे डायरेक्ट किया था एंड आई एम रियली रियली क्लोज टू हिम सो आई एम हियर जस्ट टू सपोर्ट हिम एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई नो मैंने इसका ट्रेलर देखा है सो आई नो इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड आई एम श्योर ही इज़ गोना किल इट अगेन सो आई एम जस्ट हियर टू विश हिम अ लॉट ऑफ लक एंड सपोर्ट हिम. फोर सिस्टर्स की कहानी है एंड आई थिंक बहुत ही
सॉरी यार, ट्रेलर में दिख रहा है तीनों के एक हर एक सिस्टर की एक एक स्टोरी है. सो आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड देखने में भी उतना ही मज़ा आने वाला जितना ट्रेलर में लग रहा है. इट्स लुकिंग वेरी इंट्रीगिंग. सो या दैट्स इट. थैंक यू.